और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पटना से, पटना के पास फुलवारी शरीफ इलाके में दो महादलित बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या की गई। एक बच्ची की मौत हो चुकी है, दूसरी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। मंगलवार की सुबह खेत में बच्ची का शव पाया गया था, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर हालत में खेत में मिली थी। बाद में दूसरी बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को गैंगरेप की आशंका है। ये बड़ी खबर, पटना में दो बच्चियों की गैंगरेप के बाद हत्या। अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। फुलवारी शरीफ जो कि पटना के पास में है, उसी इलाके में भी ये पूरी वारदात घटित हुई है। देखिए, घिनौनी हरकत की गई है। एक बच्ची की इसमें मौत हो चुकी है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जो अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल पुलिस की तरफ से SIT का गठन कर दिया गया है, लेकिन परिवारजनों में, परिवार वालों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मैसेज जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की कार्रवाई और फिलहाल इस पूरे मामले में हुई है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, परिवार वालों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जो दूसरी बच्ची है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और किसी भी शख्स को देखने के बाद वो चीखने लग रही है, चिल्लाने लग रही है, तो डॉक्टर पहले उनको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हाँ, पुलिस की तरफ से ये ज़रूर दावे किए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में SIT का गठन कर दिया गया है और कार्रवाई हो रही है, जगह जगह छापेमारी भी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अब तक ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है कि आखिर कौन वो लोग थे जिन लोगों ने इन मासूम बच्चियों का अपहरण किया और उसके बाद दरिंदगी के बाद इनकी हत्या कर दी और दूसरे को मृत हालत में, कहिए तो, उसको खेत में छोड़कर और उसके बाद चले गए। तो पूरे मामले की अभी जांच चल रही है, ऐसा पुलिस का दावा है। वहीं सीधे तौर पर परिवार के लोगों का आरोप है कि जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की वारदात फिर से ना हो सके। और यह घटना शहर के बिल्कुल पास में हुआ है, राजधानी पटना से लगा हुआ, सटा हुआ इलाका है फुलवारी शरीफ, उस इलाके में हुआ है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बेखौफ अपराधी बदमाश शहर में बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं और अपने वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं मुखदर्शक साबित हो रही है और यही वजह है कि इस तरह की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस की तरफ से यह दावे किए जा रहे हैं कि पूरे मामले की जांच चल रही है और जो भी गिरफ्तार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है चंद्रमोहन, जैसा आपने बताया कि अब तक दोषियों की पहचान भी नहीं हो पाई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, अमित वालवे की तरफ से इस पूरी वारदात को लेकर बकायदा ट्वीट भी किया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इंडी गठबंधन की सरकार में न्याय मिलेगा, ये सवाल भी पूछा गया है नीतीश कुमार से। तो देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार यहाँ पर अब विपक्षी दल जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अमित मालवीय की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। वो लिख रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना में दो नाबालिग महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म, 8 साल की बच्ची की मृत्यु हो चुकी है, 10 साल की बच्ची जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। सीधे वो कह रहे हैं कि क्या इस परिवार को इंडी गठबंधन की सरकार में न्याय मिलेगा, नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी आखिर सब चुप क्यों है। और आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 इंडिया लगातार नंबर 1 बना हुआ है, दर्शकों का भरोसा न्यूज 18 इंडिया के ऊपर बरकरार है। हिंदी न्यूज चैनल की लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पर न्यूज 18 इंडिया। तो देखिए, न्यूज 18 इंडिया एक बार फिर से शिखर पर है। न्यूज 18 इंडिया लगातार नंबर 1 के पायदान पर, स्पॉट पर बना हुआ है। आप सभी का भरोसा लगातार हमको मिल रहा है और यही वजह है कि न्यूज 18 इंडिया की विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है। दर्शकों का भरोसा न्यूज 18 इंडिया पर बरकरार है।